हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि जानते हैं कि पाइथन के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं आजकल, और पाइथन में हम लोग एआई के ऊपर काम कर रहे हैं। तो पाइथन का एक बहुत पॉपुलर पैकेज है जिसका नाम है PyWordKit। उसको इंस्टॉल किया है मैंने आपके सिस्टम में, अगर नहीं इंस्टॉल है तो उसे पहले इंस्टॉल कर लीजिए, इंस्टॉल करना बड़ा आसान है। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं PyCharm के ऊपर। तो ये PyCharm ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आपको कोड क्या लिखना है, सबसे पहले तो यहाँ लिखना होगा इम्पोर्ट, क्योंकि इम्पोर्ट करवाना चाहते हैं PyWordKit को। तो यहाँ लिखा PyWordKit, क्योंकि PyWordKit को ही तो इम्पोर्ट कराना है, तो ये लिख दिया PyWordKit। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल वे में यहाँ पर नीचे आ जाना है, लिखना है PyWord। ठीक है, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, PyWordKit का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको PyWordKit डॉट, क्योंकि मैसेज सेंड करेंगे तो यहाँ लिखिएगा सेंड, क्या लिखेंगे सेंड। ठीक है, सेंड लिखने के बाद आपको क्या करना है, व्हाट मैसेज, व्हाट एमएसजी कर देते हैं, व्हाट एमएसजी। ठीक है, और ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा। अब यहां पर आपको जो देना है दे सकते हैं। पहले तो सबसे पहले देखना होगा कि हमारा इंडिया है, तो इंडिया का कोड सबसे पहले आपको टाइप करना पड़ेगा, सिंगल डॉट कॉमा के अंदर लिख लीजिएगा प्लस 91 ही है इंडियन कोड। इसके बाद क्या करना है आपको, वो नंबर डालिएगा जिस नंबर पर ये कोड आपको सेंड करना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर नंबर पे करना होगा तो मैं वो नंबर यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई एक नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना ही नंबर ले लेता हूँ। क्या करना है आपको, अब यहाँ पर कॉमा लगाना है, क्या करना है कॉमा लगाना है। कॉमा लगा लेने के बाद क्या करना है, जैसे ही कॉमा लगा लेते हैं तो फिर आगे क्या करना है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लगा लिया हमने कॉमा, और यहाँ पर वो मैसेज आपको टाइप कर देना है जो इसके साथ जाएगा। तो हे स्टूडेंट्स जस्ट लर्न एडवांस पाइथन विथ सूरज सर। ठीक है, तो ये हमने दे दिया। अब ये देने के बाद क्या करना है, ये जैसे ही देंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसको भी सिंगल डॉटेड कॉमा के अंदर ही रखना है। ठीक है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया, अब यहां से इसको बंद कर देना है। ये तो हमने दे दिया है, यहां पर अब हमको टाइमिंग देनी होगी। ठीक है, टाइमिंग कितने बजे ये मैसेज चला जाए ऑटोमेटिक इस नंबर पे। ठीक है, तो वो हमें देना पड़ेगा, तो यहाँ पे दिया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो इसको बंद करके कॉमा देता हूं और फिर वो टाइमिंग दे देता हूं, जैसे 7। आपको कहीं भी कुछ भी क्लिक नहीं करना है, आई बात समझ में, तो बस वेट करिए और देखते रहिए। ठीक है, और सीखते रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसा मैंने बोला था यहाँ पे WhatsApp ओपन हो गया है। ये देखिए, ये ओपन हो रहा है और अब ये मैसेज ऑटोमेटिक चला जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखिए मैसेज भी आ गया। ठीक है, अब बस 15 सेकंड वेट करना है और सीधा सीधा मैसेज डिलीवर। तो ये देखिए, ये मैसेज भी चला गया। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई।